Guys, if you worried about NEET 2021, then you should watch this video till last, because in this video I will be talking about NEET 2021 question paper and what will be your safe score for getting an MBBS seat through All India quota and how will be competition in NEET 2021. So guys, सबसे पहले तो बात करते हैं NEET 2021 के question paper के बारे में. तो देखो, NEET 2021 का जो question paper है वो exactly NEET 2020 के जैसा ही होगा, क्योंकि जो NTA है, जो NEET की conducting body है, उन लोगों को भी ये चीज पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कोविड के कारण अभी बच्चे के जो मतलब बच्चे का जो पूरा पढ़ाई हो कितना डिस्टर्ब चल रहा है. तो NEET 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको टफ करने का कोई मैटर ही नहीं है, और ये इस चीज के लिए मैं बिल्कुल टेस्ट मत लो कि NEET 2021 में क्वेश्चन टफ आएगा. क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा, NEET 2020 के जैसा ही आएगा. तो तुम लोग NEET 2020 को रेफरेंस मान के अपना प्रिपरेशन करो, जैसे कर रहे थे वैसे ही प्रिपरेशन करो, और इस चीज के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो. गाइस, आप बात करते हैं हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में कि NEET 2021 का में कंपटीशन कैसा होने वाला है. तो गाइस, ये मेरा खुद का ओपिनियन है और दिस माइट बी रॉन्ग, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसा ही है कि NEET 2021 का जो कंपटीशन होने वाला है वो रिलेटिवली NEET 2020 से आसान हो. और ये बात मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, इससे कुछ ऑथेंटिक पॉइंट्स है. तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि ये चीज़ तुम सबको पता होगा कि कोविड के कारण 99% बच्चे घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अच्छे हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता था, वो भी कोविड के कारण और घर पर रहने के कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो इस चीज का फायदा तुम लोग को मिल सकता है कि अगर तुम इस टाइम को जो 5-7 महीने बचा होगा इसको तुम अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा जो भी रैंक तुम डिजर्व करते हो करते थे, उससे तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा. सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा. सेकंड पॉइंट ये है कि अभी जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं जो अपीयरिंग थे, उन लोग के साथ अभी क्या हुआ कि उन लोग का बोर्ड के एग्जाम एक्सटेंड कर दिया गया है मई में, मई से जून में. जो सीबीएसई का था कि मई से जून में तक उन लोगों का एग्जाम्स को एक्सटेंड कर दिया गया है. तो इसके कारण क्या हुआ कि अपीयरिंग वाले बहुत सारे बच्चे वो लोग ऐसे ही तो डिस्टर्ब है, क्योंकि उन लोगों ने ड्रॉपर में क्या होता है कि एक बार पढ़े होते हैं तो वो लोग घर पर भी रह के पढ़ सकते हैं, लेकिन अपीयरिंग वाले लोग ऐसे ही ऑनलाइन अच्छे से कर नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. तो उन लोग का जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी बोर्ड के एग्जाम पे है, तो उन लोग का भी जो परफॉर्मेंस होगा वो जो नीट में होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले होता था. तो इससे का भी फायदा जो ड्रॉपर्स हम लोग को मिल सकता है, और जो अपीयरिंग भी है वो बच्चे भी इस चीज़ का फायदा इसमें ले सकते हैं कि अगर तुम एक दूसरे बच्चे मेजोरिटी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन तुम अगर इस प्रॉब्लम से ऊपर आ जाओगे, तुम इस प्रॉब्लम को सोचोगे कि नहीं हम अगर अच्छे से काम करके लेते हैं तुम्हारा इसी साथ सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे जो भी रैंक आने वाले थे उससे बहुत अच्छा आ जाएगा. तो ये सेकंड पॉइंट. और थर्ड पॉइंट क्या है अभी कि हर बार ऐसा होता है कि जो मैक्सिमम सिलेक्शन होता है वो कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से होता है. तो इस साल क्या हो गया कि सारे बच्चे को सेम इन्वायरमेंट मिला है कि घर में रह के पढ़ो. 99% बच्चे तो घर में ही रह के पढ़ रहे हैं, तो घर में रह के पढ़ो. सब जो भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ही टेस्ट दे रहे हैं, तुम भी ऑनलाइन पढ़ रहे होगे. तो जो अभी रिसोर्स है वो सबके साथ सेम ही है, प्रॉब्लम भी सबके साथ सेम ही हो रहा है. आज क्योंकि पहले होता था कि कुछ बच्चे को अच्छा कोचिंग मिल जाता था, कुछ बच्चे जो फाइनेंशियली वीक होते थे उनको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाता था, लेकिन इस साल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण NEET 2021 का कंपटीशन इजियर होगा NEET 2020 से. और NEET 2020 के टाइम बहुत सारा टाइम मिल गया था बच्चे को, 8-9 महीने का टाइम मिल गया था, इसके कारण भी प्रिपरेशन लोगों का बहुत अच्छा हो गया था. सो कटअप बढ़ गया, बट इतना कटअप इस NEET 2021 में नहीं जाएगा. लेकिन ये जो भी चीज़ है एक मेरा खुद का अजम्पशंस है, इसलिए तो तुम पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो. देखो, कंपटीशन कैसा भी हो लेकिन तुम्हारा जो खुद का तैयारी होना चाहिए वो बहुत बेस्ट होना चाहिए. अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन कम होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना बंद करके सोचें कि कंपटीशन कम हो जाएगा. तो क्या ही है, तुमको इसको इस चीज़ में के वे तुमको इस चीज़ को इस तरह से सोचना है, लाइक कि अगर कंपटीशन कम होगा तो फिर मतलब कि मुझे इतना मेहनत करना है ताकि इस साल मेरा लास्ट सॉल्व हो, मतलब दिस अटेम्प्ट विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट, जिसके बाद मुझे कोई अटेम्प्ट ना लेना पड़े. और पहला चीज़ तो ये हो गया. और जो बच्चे जिनका तैयारी अच्छा चल रहा है उन लोगों को ये सोचना है कि जो रैंक आएगा अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूँगा क्योंकि कंपटीशन कम होने वाला है तो मेरा रैंक इन्हांस हो जाएगा, जो मैं डिजर्व करता हूँ उसे बहुत अच्छा मुझे मिलेगा. तो तुम इस चीज़ को इस तरह में मतलब को ऐसा कभी मत सोचना कि नीट कंपटीशन कम होने वाला है तो हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं. सो गाइज, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक डू कमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.